आरक्षण लोकतंत्र जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई, जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। घर से निकले, वोट करें। There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June. लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में कई बड़े दिग्गज नेता लगातार अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट कर रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव, उनके साथ उनकी पत्नी बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी वोट करने पहुंची है। देखिए वेटनरी कॉलेज मैदान की तस्वीर है, अंदर में मतदान केंद्र के अंदर लालू प्रसाद यादव ने वोट डाल दिया है। दरअसल यह वोट मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के लिए लालू परिवार ने किया है, क्योंकि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने मतदान किया है और अंशुल अभिजीत के सामने रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं। और ऐसे में चुनावी मैदान में एक ओर अंशुल अभिजीत तो दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद हैं। और देखिए लालू परिवार का जो वोट है वो अंशुल अभिजीत को पड़ा है। और ऐसे में अभी से थोड़ी देर पहले जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, वह आप देख पा रहे होंगे। लालू परिवार जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य सभी एक साथ वोटिंग करने वेटनरी कॉलेज मैदान स्थित पहुंचे हैं। वहां वोटिंग करने के बाद अब वो निकल चुके हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव से बातचीत की गई है। तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, उनके पूरे बयानों को सुनिए। बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई बढ़ाई, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए ये देश को बनाने का चुनाव और इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार बने और वोट देकर के ये हम लोगों की इच्छा है। एनआई सर के ऊपर जा रहा है, नीचे करो यहां देख रहे हो, पीटीआई देखिए नीचे करो सर के ऊपर माइक। देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग पूरा बिहार का मिजाज टनाटन टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। देखिए वो तो आज बैठक 3 बजे से है, बैठक के बाद जो है हम लोग उस पर एग्जिट पोल जरूर आप लोगों को बताएंगे कि क्या बात है। एग्जिट पोल पे डू यू बिलीव ऑन एग्जिट पोल, डू यू बिलीव ऑन एग्जिट पोल, बिकॉज़ मोस्ट मेनी लीडर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग फॉर द एग्जिट पोल। What kind of exit poll and whose exit poll we should believe? There are so many exit polls, right? So we should wait for the 4th June and what we have seen in ground, and we have a belief and faith in people of India that this time India Gathbandhan, Adya Alliance is coming to form a government on 4th June and NDA is going soon. जी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए बैठक है कि एकजुट रहे इंडिया गठबंधन। अरे आप छोड़िए अभी सबके चर्चा, आज लोकतंत्र है, बैठक के बाद खेला होगा क्या?